नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं thelalandtop.com। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का फाइनल दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान, 2-2 की बराबरी के बाद हो रहे इस फाइनल में इंडिया ऐसी खेली जैसे फाइनल है ही नहीं और मैच के साथ साथ सीरीज भी हार गए। 2-1 से सीरीज में आगे होने के बावजूद सीरीज 2-3 से हार गई टीम इंडिया, यानी आखिरी 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई। दिल्ली में 35 रनों से टीम को हार मिली। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज हार इंडिया को आईना दिखाकर गई है। पहली बार हुआ है कि इंडिया ने घर में खेलते हुए सीरीज में 2-0 से आगे होने के बाद भी सीरीज 3-0 से हारी हो। अब फटाफट नज़र डालते हैं इस हार की 5 बड़ी वजहों पर। इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह और पहली वजह और कुछ नहीं, 273 रनों के टारगेट को हल्के में लेना था। टीम ने वो कमिटमेंट नहीं दिखाई जो फाइनल मैच में इंडिया जैसी बड़ी टीम से दिखनी चाहिए थी। रोहित शर्मा और धवन बैटिंग करने आए और धवन 12 रन बनाकर निकल लिए। अब जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर थी, मगर वो अपने टच में ही नहीं दिखे। हालांकि रोहित शर्मा ने 89 गेंदों पर 56 रन जरूर बनाए, मगर ये बेहद कमज़ोर पारी थी जिसे रोहित ने बेहद ख़राब तरीके से आउट होकर टीम के लिए फायदे की जगह नुकसानदायक बना दिया। रोहित ने एडम जंपा को ऐसे खेला जैसे कोई नौसिखिया खेल रहा हो। जब रोहित 51 पर थे तो जंपा की गेंद पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कैच छोड़ा। जब रोहित 53 पर थे तो जंपा की ही गेंद पर रोहित ने ग्लेन मैक्सवेल को एक आसान कैच दिया जिसे मैक्सी ने छोड़ दिया। यही नहीं, रोहित शर्मा जब 56 पर थे तो जंपा की ही गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में वो गेंद को मिस कर गए और जो बैट है उसे हवा में उछाल दिया और अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। रोहित शर्मा के यहाँ आउट होना इंडिया के लिए सीरीज हारना था, क्योंकि जब तक इंडिया 5 विकेट खो चुका था। हार की दूसरी वजह है दिल्ली के लौंडे। अपने होम ग्राउंड पर टीम के शिखर धवन, विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मानो कसम खा ली कि कुछ भी हो अपने घर दिल्ली में बल्ला नहीं चलाना है। धवन ने 12 रन बनाए, कोहली ने 20 और ऋषभ पंत ने 16। आज ऋषभ पंत चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए थे और मौका था कि खुद को एक जिम्मेदार बैट्समैन सिद्ध करें, साबित करें, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने नैथन लाइल की गेंद पर स्लिप पर खड़े एस्टन टर्नर को आसान सा कैच थमा दिया। ऐसा लगा कि वो कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे। हार की तीसरी वजह, अब तक खुद को बढ़िया और जुझारू साबित कर चुके विजय शंकर से उम्मीद थी कि वो फाइनल में कुछ खास करेंगे, कम से कम अच्छी पार्टनरशिप ही करेंगे, मगर यहाँ तो उलट ही हो गया। इन्होंने भी एडम जंपा की गेंद को ऐसे खेला जैसे कैचिंग ड्रिल चल रही हो। गेंद को आसमान में टांग दिया और उस्मान ख्वाजा के पास पर्याप्त समय था कि वो गेंद के नीचे आएं और एक आसान कैच लपक लें। शंकर को इस तरह आउट होते देखकर इंडियन फैंस के चेहरे उतर गए। इंडिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडस्कॉम जैसी कोई पारी देखने को नहीं मिली। ख्वाजा ने इस मैच में भी 100 रन बनाए, पूरी सीरीज में 383 रन बना दिए और हैंडस्कॉम ने जरूरी 52 रन बनाए। अभी ठहरिए, इंडिया की तरफ से हार की एक और वजह थे रविंद्र जडेजा। 29 ओवर बीत चुके थे और स्कोर कार्ड पर 5 विकेट खोकर 132 का स्कोर था। यहाँ एक भी विकेट गिरने का मतलब था कि इंडिया की पूंछ यानी टेल एंडर स्टार्ट हो जाएंगे, मगर क्या करते, जडेजा ने तो जंपा को खेलने के लिए पैर आगे बढ़ाया था कि पिछला पैर लाइन पर था, अंदर बिल्कुल भी नहीं था। स्टंप आउट दिए गए, वो भी 0 पर। कुल 3 गेंदें खेली और लौट गए। इंडिया का स्कोर 132 पर 6 विकेट हो गया। ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे उतर चुके थे, स्टेडियम में शांति समा चुकी थी। अब अकेले केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार कहां तक जान मारते। 40 ओवरों में 180 रन बने थे और आस्किंग रेट 10 से भी ऊपर जा चुका था, यानी आखिरी 9 ओवरों में 91 रन इंडिया को चाहिए थे। दोनों के बीच पहले शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हुई और ये दोनों इसे और आगे ले गए और 43 ओवरों में स्कोर 200 के पार चला गया। दोनों के बीच 91 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई। भुवनेश्वर ने शानदार 46 और केदार ने 44 रन बनाए। दोनों टिक चुके थे, फिर पैट कमिंग्स ने भुवनेश्वर को बाउंड्री पर कैच करवा दिया और अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन ने जाधव को मैक्सवेल के हाथों बाउंड्री के पास ही कैच आउट करवा दिया और यहां इंडिया के लिए जीत की सारी उम्मीदें थम गईं। इंडिया का स्कोर 223 पर 8 हो गया। फिर रिचर्डसन ने शमी को आउट कर इंडिया का 9वां विकेट गिरा दिया और 237 पर कुलदीप का विकेट गिरा और इंडिया ने ये मैच 35 रनों से हार लिया।
237 पर कुलदीप का विकेट गिरा और इंडिया ये मैच 35 रनों से हार गया। इंडिया के लिए अगर इस मैच में कुछ पॉजिटिव रहा तो वो केदार जाधव और भुवनेश्वर की बैटिंग थी। इसके अलावा इंडिया बहुत ख़राब खेली, इसलिए मैच के साथ साथ सीरीज़ भी हारे। वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज़ और अब ये 5 वनडे मैचों की सीरीज़ हार इंडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।